यम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों के साथ। भिंड जनसंघर्ष मंच के बैनर तले मुरैना के लिए पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह के साथ कई लोगों का काफिला भिंड जिले से मुरैना कमिश्नरी में चंबल एक्सप्रेस वे से जोड़ने के लिए पहुंचा। चौधरी राकेश सिंह ने कहा, हर जनप्रतिनिधि के पास जाकर भिंड के विकास को जोड़ने का लक्ष्य स्थापित किया गया है। अटेर ग्राम काफी सालों से पिछड़ा रहा है। अटेर को असल चमक तभी मिलेगी जब चंबल एक्सप्रेस वे से अटेर भिंड को जोड़ा जाए। पर्यटन के हिसाब से अटेर किला का पर्यटन चंबल एक्सप्रेस वे बनने के बाद ही बढ़ेगा एवं मुरैना में रोड बरवाई जो पंडित रामप्रसाद बिस्मिल के नाम से मशहूर है, उनके जन्मभूमि तक पहुंचने में चंबल एक्सप्रेस वे की अहम भूमिका होगी एवं युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसमें जमीन भी किसी की नहीं जाएगी, 80% शासकीय जमीन है। पूर्व मंत्री ने कहा, यदि महाभारत में द्रौपदी के चीर हरण पर जिस तरह सभी मुख बनकर तमाशा देखते रहे और आज हम लोगों ने कुछ नहीं बोला तो आगे की पीढ़ी हमें कोसती रहेगी। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश में दो एक्सप्रेस वे बनेंगे। एक बनेगा नर्मदा एक्सप्रेस वे जो नर्मदा नदी के किनारे किनारे और एक चंबल नदी के किनारे किनारे सोपोर से लेकर भिंड तक जो NS-92 को जोड़ेगा भिंड में जाके। लेकिन 2018 में फिजिबिलिटी टेस्ट हुआ, उसमें अप्रूव हो गया, केंद्र सरकार को भेज दिया गया प्रपोजल, उसने अप्रूव कर दिया। इसमें राज्य सरकार को सिर्फ जमीन देनी है और वो भी जमीन 80% शासकीय जमीन उपलब्ध है। ये फिजिबिलिटी टेस्ट में है, जो रिपोर्ट ग्राउंड रिपोर्ट बनी है उसमें ये है, घड़ियाल प्रोजेक्ट से ही बाहर है। मध्य प्रदेश सरकार को इसमें कोई पैसे नहीं लगाना है, केंद्र सरकार भी इसमें पैसे नहीं लगाएगी। ये PPT बोर्ड के अंतर्गत बनेगा जिसमें प्राइवेट कंपनियों को, प्राइवेट ठेकेदारों को इसमें प्रथम। अब तक की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे ज्ञान न्यूज के साथ।